ओके ठीक मींस आई कैन से स्ट्रेंथ इज मास ऑफ सॉल्यूट सो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स यू हैव टू टेक इन ग्राम्स ओके एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी इन द लीटर्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स मतलब कितना मास ऑफ सॉल्यूट हमने कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया वो स्ट्रेंथ है तो जितना मास ज़्यादा बढ़ा दोगे सॉल्यूट का उतनी उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे ठीक है गेटिंग माई पॉइंट इफ यू हैव 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 250 ml यू आर गॉट विद आई हैव गिवन यू बट ए 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट सम सॉल्यूट आई हैव गिवन यू and I have told you that you have dissolved in 250 ml of the solution. I am asking you, बेटे, what is the strength of it? ठीक है बेटे? तो I am saying with the relationship between strength and mass of solute in grams divided by volume of solution in liters. Now you are given with the ml, so you will convert it in the liter first. ठीक? We know to convert ml into the liters. We will divide this ml by 1000. But obvious, so I can write 4 divided by 250. If I will divide it by 1000, this 1000 will obviously go here. Okay, so 4 divided by 250 into 1000. So what is the value you will be getting? You will be getting 16 gram it dissolve in liters. So 16 grams is dissolved in per liter. Okay, बेटे strength again I am saying अगर मैंने आपको 4 gram of NaOH दे दिया और मैंने आपको बोला कि आपका जो solution हमें आपको मिला है वो 250 ml का मिला है तो कितनी strength है ठीक है इसका मतलब ये है की स्ट्रेंथ क्या है 16 ग्राम पर लीटर ओके 16 ग्राम पर लीटर गेटिंग माय पॉइंट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ एंड दिस फॉर्मूला इज बीइंग यूज्ड इन द प्रैक्टिकल्स व्हेन यू विल डू टाइट्रेशन प्रैक्टिकल्स देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला व्हाट इज स्ट्रेंथ ठीक है नाउ कम बेटे नेक्स्ट इज मास परसेंटेज यू हैव डन परसेंटेज बिफोर हाउ यू आर फाइंडिंग एनी परसेंटेज जिसका परसेंटेज निकालनी है जिस सब्जेक्ट की तो कितने मार्क्स आए डिवाइडेड बाई टोटल इन द सेम वे अगर आपका सोल्यूशन दो कॉम्पोनेंट्स का बना हुआ है ए और बी की दो कॉम्पोनेंट्स का बना हुआ है अगर ए की परसेंटेज निकालोगे तो आप ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी करोगे टोटल कितने मार्क्स आए और ए के कितने हैं बी के कितने वैसे टू कॉम्पोनेंट्स है बेटे ए एंड बी टोटल उनका कितना मास है और ए का कितना है इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगी ये किसकी आएगी ए की दिस इज मास परसेंटेज ऑफ ए लाइकवाइज इफ यू हैव टू फाइंड मास परसेंटेज ऑफ बी तो आप क्या बोलोगे बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इन टू 100 ओके इन टू 100 सो तो वट कैन वी से नाउ लेट अस डिफाइन नाउ मास परसेंटेज तो मास परसेंटेज में हमने क्या किया सो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कॉम्पोनेंट ठीक ठीक है द कॉम्पोनेंट में भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन ठीक पर 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ द सॉल्यूशन अगेन आई एम सेइंग द नंबर ऑफ द पार्ट्स कितने पार्ट्स हैं ठीक है वन कॉम्पोनेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ द सॉल्यूशन ओके बेटे दिस इज कॉल्ड मास परसेंटेज अब मैंने तो ये समझाने के लिए लिखा अब लेट अस सी द न्यूमेरिकल
कैलकुलेट द मास ऑफ द केन शुगर एंड वाटर टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर. अगेन आई रिपीटिंग, कैलकुलेट द मासेस ऑफ, यू हैव टू कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर ठीक, शुगर केन की जो होती है, टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर. अब व्हाट इज मास परसेंटेज, लेट अस राइट फर्स्ट मास परसेंटेज. तो इट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, बोथ कंपोनेंट्स का मास ऑफ सॉल्यूशन बेटे इनटू 100, दिस वी नो. अब अगर मैं बोलूं 25% है केन शुगर, 25% मास परसेंटेज कितनी है 25%, तो हमें परसेंटेज पहली गिवन है, इसमें कितनी गिवन है 25% है ना. तो यहाँ पे क्या होगी, मास ऑफ केन शुगर डिवाइडेड बाय, हमने 25% कब आई, जब हमारा सॉल्यूशन कितना था 250 ग्राम. तो सॉल्यूशन का मास कितने बेटे, द सॉल्यूशन इज गिवन टू यू इज 250 इनटू 100. तो इसमें से आप मास ऑफ केन शुगर निकाल सकते हो. मास ऑफ केन शुगर वी हैव टू फाइंड, ठीक है, तो इट विल बी 25 इनटू 250 will be moving here, okay, divided by 100. So you will be getting the value that is 62.5 grams. Okay, 62.5 gram. Again I am repeating bete, the numerical says calculate the masses, दोनों के masses निकालने, cane sugar का भी and water का भी, क्योंकि ये solution का mass given है हमें. This is mass of the whole solution of 25% of cane sugar. 25% अगर cane sugar का मैं अगर solution बनाती हूँ तो उसमें मैंने कितनी cane sugar डाली, मैंने 62.5 grams डाली, पूरे solution इतने grams का है. अगर cane sugar 62.5 है और पूरा इतना है तो water कितना होगा, what is water, solution is made up of two component that is solute plus solvent. Now solute is your cane sugar, that is 62.5 grams. Solution it is already given you, that is 250. Solvent is your water, jiska humne ab nikal lenge, that is water ka kaise aayega, 250 minus 62.5 and you will be getting the value 187.5 grams. Isn't it? Okay bete, one more numerical from this ki concept samaj aaje. A solution has been prepared, aur ye apne aap karoge aap, I want the answers from your side, this is the simplest. The solution has been prepared by dissolving 5 grams, you have 5 gram of urea. तो urea को हमने dissolve किया, तो urea क्या हो गया हमारा solute, urea is solute, okay. So 5 gram of urea in 95 gram of water, you have 95 gram of water, that is your solvent. Okay, what is the mass percentage of the urea?
So mass percentage of urea. यूरिया कितने मार्क्स आए हैं? 5 ग्राम. टोटल कितना है? 5 + 95 × 100. फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग. दिस सिंपल आंसर इज गिवन ऑलरेडी टू यू इन द न्यूमेरिकल इटसेल्फ. यस इट इज 5%. ऑब्वियसली बेटे अगर 100 भी माने तो 95 अगर वाटर है तो आंसर विल बी 5%. ओके तो दिस इज आंसर विल बी 5%. सो दिस फिनिशेज बेटे मास परसेंटेज. ओके इन द सेम वे देयर इज वॉल्यूम परसेंटेज. इन द सेम वे देयर इज मास पर वॉल्यूम परसेंटेज. नेक्स्ट इज अगर मास परसेंटेज समझ आ गई तो वॉल्यूम परसेंटेज यू कैन डू योर सेल्फ है ना. तो वॉल्यूम में क्या करोगे? ऊपर वॉल्यूम ली रखोगे, नीचे भी वॉल्यूम रखोगे. ओके सो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम. पहले क्या था? बाय मास था. और वन कॉम्पोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. जैसे अगर फिर ए प्लस बी 2 कॉम्पोनेंट है. इफ यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए तो आप क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100 एज यू आर फाइंडिंग द परसेंटेज. ओके सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी इफ यू हैव टू फाइंड आउट देन यू विल राइट वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100. इट्स सो सिंपल. दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज. ओके बेटे अगर आपको वैसे ही जैसे हमने अभी न्यूमेरिकल किया ग्राम्स में गिवन है इन द सेम वे इट कैन कम एज द वॉल्यूम ऑल्सो तो यू कैन फाइंड आउट दैट वे ऑल्सो. व्हाट द पॉइंट? ठीक है बेटे. देन बेटे मास पर वॉल्यूम. इफ यू हैव मास पर वॉल्यूम तो इफ आई एम सेइंग मास पर वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स आई एम टेकिंग मास on the denominator side and volume on the denominator side है ना. तो मास किसका लेंगे? जो भी कॉम्पोनेंट का आपने निकालना है वॉल्यूम और पूरे सोल्यूशन का लेंगे. ओके सो हाउ यू विल डिफाइन इट? द नंबर ऑफ द पार्ट्स बाय मास वन कॉम्पोनेंट नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मास और वन कॉम्पोनेंट to the total volume of the solution. So what is the mass percentage? If I am having 2 component A plus B, let it be I have taken in grams or total in the volume bhi hai. So mass by volume percentage, it will be if I am having A component, so WA that is weight of A, वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100. ओके बेटे सो दीज आर द सिंपलेस्ट वन है ना. दीज आर द सिंपलेस्ट वन. तो इफ वी आई एम टेलिंग यू द यूनिट अगर आपसे पूछा जाए कोई यूनिट लेस क्वांटिटी है तो अभी तक हमने जो क्वांटिटी करी मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज सिंपल रेशियो निकाली है मासिस में तो दे आर हैविंग नो यूनिट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड इन एमसीक्यू विच आर यूनिटलेस. आगे भी हम एक करेंगे तो दीज आर हैविंग नो यूनिट्स बिकॉज यू आर डिवाइड मास. ओके ठीक है बेटे. सो देयर आर नो यूनिट ऑफ मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज. ओके बट देयर आर द यूनिट्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम बिकॉज वी आर एक्सप्रेसिंग वेट सो वी कैन से ग्राम पर लीटर अगेन बट देयर आर नो सच यूनिट फॉर मास परसेंटेज
एंड वॉल्यूम परसेंटेज. रिमेंबर इट इट हैज बीन आस्क्ड इन द एमसीक्यूज. तो आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस क्वांटिटी. ओके सो नेक्स्ट इज बेटे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन. मिलियन क्या होता है? 10^6. जब हमारी क्वांटिटी कभी भी बहुत लेस हो तो वी विल टेक पार्ट्स पर मिलियन. ओके पार्ट्स पर मिलियन. सो इफ आई हैव टू डिफाइन, आई डिफाइन आफ्टरवर्ड. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन. इफ योर सॉल्यूशन इज वेरी मच डाइल्यूट बेटे, if you are taking a dilute solution, now solute is very much less. I have two component A and B. So A is my solute and B is my solvent. This component is very much less. अगर ये बहुत ज़्यादा कम होगा और solvent बहुत ज़्यादा excess में, the solvent is too much in excess. ठीक है, तो जो मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज की वैल्यू क्या आएगी? बहुत कम. अगर मैं बोलूँ ए बहुत कम है, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी बोलूँ, और ए की वैल्यू होगी 0.000001 और बी की वैल्यू होगी मान लो 99 point something. तो अगर आप 0.001 को 99 के साथ और यहाँ पे प्लस करोगे तो यहाँ पे तो ए तो निगलेक्ट ही हो जाएगा. ए से 0.001 को क्या प्लस करेंगे हम? अगर ये 0.001 लिया और इसको आप इसके साथ डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू बहुत कम आएगी, जब आपका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है. ठीक है बेटे, तब उस केस में हम क्या करते हैं? हम पार्ट्स पर मिलियन लेते हैं. तो पार्ट्स मिलियन को क्या डिफाइन करोगे? द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन. सो नंबर ऑफ पार्ट्स मींस मास ऑफ लाइक इफ आई हैव टू फाइंड ए, है ना, मास ऑफ ए एंड मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10^6. ओके क्योंकि अब मैं अगर इसको 10^6 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटे तो वैल्यू अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, है ना. अगर ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, अगर अकेला मैं मास परसेंटेज निकाल लूँ या अकेला अगर मैं वॉल्यूम में निकाल लूँ, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है. वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10^6. ठीक है बेटे, अगर मेरे पास यहाँ पे 0.001 है, अकेला मैं मास परसेंटेज निकालती मेरी वैल्यू बहुत कम आनी थी, जैसे ही मैंने 10^6 से मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू बढ़ गई. तो ये किस सॉल्यूशंस के लिए यूज़ होता है बेटे? पीपीएम, जब आपके सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं, जब भी आप कुछ स्टडी कर एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट. ओके सॉल्यूट इज़ वेरी मच लेस एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, देन यू विल टेक दिस. ओके सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, इजंट इट? यस, लाइक 1 liter ऑफ सी वाटर. इफ यू हैव 1 liter, 1 liter सी वाटर है आपके पास, ठीक है, वेज 1 liter ऑफ सी वाटर, ये कहते हैं जी, पहले न्यूमेरिकल समझो, देन आई विल रीड द स्टेटमेंट फुली दैट यू कैन राइट. वेज इसका वेट है इसका, that is 1050 grams. ओके कंटेन इसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इट इज 6×10^-3 grams. नाउ कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पीपीएम. यू हैव टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पीपीएम. अगेन आई एम रिपीटिंग द न्यूमेरिकल बेटे, 1 liter ऑफ सी वाटर वेज 1050 grams, ठीक है, एंड दिस सी वाटर, 1 liter ऑफ सी वाटर वेज 1050 grams एंड दिस एंड कंटेन 6×10^-3 gram ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन गैस. सो दे आर सेइंग अस टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन पीपीएम. तो हाउ यू विल फाइंड?
मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिविंग गिवन टू यू. ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन यू विल टेक. नाउ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट और सी वाटर में सब कुछ ही आ गया. सी वाटर का मतलब है ऑक्सीजन बीच में डिजॉल्व है, बता दी गई है. तो हमने सी सीधा ही ले लेना है 1050, क्योंकि सी इफ इट इज रिटन सी वाटर तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन है. ओके, इनटू 10^6. तो आपको मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? दिस मच. हरी अप फाइंड आउट. सी वाटर इज 950 इनटू 10^6. हाँ जी नव्या, यू हैव फाउंड आउट. काव्य सॉरी. यस बेटे, यू आर हैविंग 5.71. यस 5.71 ppm. ओके, सो नाउ यू कैन लोअर योर हैंड. द सेम वे सो मेनी न्यूमेरिकल्स आर देयर एज वी विल गेट द टाइम डू मोर. ओके, सो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे. नाउ द कंसेप्ट यू आर गोइंग टू डू विच कंसिस्ट ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी देन नॉर्मैलिटी देन मोल फ्रैक्शन. दीज कंसेप्ट्स आर टू मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड क्लास. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बोर्ड क्लास इट विल बी रिपीटेड इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो. एंड न्यूमेरिकल विल कम फ्रॉम दिस कंसेप्ट इन द बोर्ड क्लास ऑल्सो. ठीक है, अभी तो आनी आने हैं. आपकी एनसीईआरटी भरी पड़ी है, तो आप इसको करने के बाद एनसीईआरटी के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है यू विल डू. मोलैरिटी वेरी इंपॉर्टेंट. मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी क्या बोलेंगे बेटे? पहले इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. इन लीटर्स. ओके, तो अगर मैं और डेफिनेशन बोलूं तो आई विल राइट नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ व्हाट आर नंबर ऑफ मोल्स? आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास. अगर किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, एन निकालना है नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो इट इज गिवन मास ओवर मोलर मास, इजंट इट? ठीक है, इक्वेशन वन. ठीक है, और अगर आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स लेना है बेटे. मैंने हमेशा लीटर्स में गिवन नहीं है. अगर लीटर्स में गिवन है, से 1 लीटर गिवन है, तो हम सीधा पुट करेंगे. इफ इट इज गिवन इन ml, इफ इट इज गिवन इन मे बी aml, तो यू विल डिवाइड विद 1000, सो इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द लीटर. a/1000 ये अज्यूम करो, तो a/1000 देन इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द लीटर्स. यू हैव टू टेक इन द लीटर्स. इफ इट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल इट इज लीटर, देन आप वैसे ही ले लोगे नीचे जो भी वॉल्यूम दिया गया होगा. अगर आपको लीटर्स में गिवन नहीं है तो आप डिवाइड बाय 1000 करोगे. जनरली ये लीटर्स में नहीं होता, तो ml में गिवन है तो हम डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं. अब हम करें गिवन मोल्स ऑफ सॉल्यूट. अब मैं ये जो सॉल्यूट है, लेट मी, दो कंपोनेंट है a+b एक सॉल्यूशन के. देयर आर टू कंपोनेंट्स. सॉल्यूट जनरली हम बी लेते हैं और ए हमारा जनरली सॉल्वेंट रहता है. तो दिस इज आवर सॉल्वेंट and this is our solute. okay, solute. अब हमने number of moles of solute means number of moles of B कैसे निकाले? given mass, given mass जो भी आपको given weight है, that is given mass over molar mass, जो भी आपका molar mass है ना. तो molarity कैसे लिखेंगे? it is a capital M first of all, it is not a small m. अगर आप स्मॉल एम लिखोगे इट विल बी गेटिंग रॉन्ग. देन इट इज मोलैरिटी अदर टर्म. देयर इज क्वाइट डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी. ठीक है,
तो कैपिटल एम क्या हो जाएगा बेटे, गिवन मास. सो गिवन मास ओवर मोलर मास, दैट इज नंबर ऑफ सोल्यूट, ये नीचे आ जाएगा, इनटू. अब वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम मान लो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय, यू हैव डिवाइडेड हेयर विद द थाउजेंड, तो ये थाउजेंड क्या चला जाएगा ऊपर. तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द मोलारिटी यू विल बी यूजिंग द न्यूमेरिकल्स, दैट इज गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू, हियर यू विल मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड एंड हियर यू विल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम. लेट मी टेक वन न्यूमेरिकल एंड एक्सप्लेन यू. सो दे आर टेलिंग अस द मोलारिटी, यू हैव टू फाइंड द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 4.9 grams of sulfuric acid. So given mass, I can say given mass of sulfuric acid, it is our solute now, क्योंकि इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे. सो अगेन आई रिपीटिंग द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 4.9 grams ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड dissolved in, means your solvent now, yeah, make a solution, they are saying dissolve in 250 ml of the solution. So this is the volume of the solution. Again I'm repeating the numerical for you. They are saying find out the molarity of solution containing 4.9 grams of sulfuric acid dissolve in 250 ml of a solution. ठीक है, अब मोलारिटी हमने अभी कहा, मोलारिटी क्या होता है, गिवन मास और मोलर मास. तो गिवन मास इज 4.9, व्हाट इज मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको सल्फ्यूरिक एसिड बहुत बार रिपीट होता है, ये टिप्स पे होना चाहिए बेटे, 98. एंड इसका इक्विलेंट वेट आप आगे करोगे वो भी टिप पे होना चाहिए, दैट इज 49. ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस बट इट शुड बी रिमेम्बर लाइक दिस ओनली. ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो m गिवन मास 4.9 डिवाइडेड बाय व्हाट इज मोलर मास 98. What is the volume given to me is 250. It is given in ml. So I will be dividing by 100. So this, sorry, dividing by 1000. So this will be multiplying by 1000. Now what is the value you are getting? Hurry up. Anji Riddhi. मैम 0.2. हाँ, तो यू आर गेटिंग 0.2 मोलर, और वी कैन से 0.2 मोल, दैट इज यू हैव टेकन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय पर लीटर्स. ओके, यू हैव टेकन वॉल्यूम इन लीटर्स बेटे, दिस इज मोलारिटी. तो मोलारिटी में हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, हमने ग्राम ना लेके हमने उनको मोल कंसेप्ट को और आगे एनहेंस करके हम आगे बढ़ गए. सो टेकिंग वन मोर न्यूमेरिकल फ्रॉम मोलारिटी एंड देन वी विल गोइंग टू डू मोलारिटी, आई थिंक विल स्टार्ट विद टुमारो ओनली एज इट विल टेक टाइम. ओके ओके, राइट डाउन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इथाइल एल्कोहल, what is the volume of ethyl alcohol whose density is given to you, density, very nice numerical, density is equal to 1.15 gram per cc that has been added to prepare 100 cc of 0.5 मोलर इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन. सो यू आर गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथाइल एल्कोहल इज 100 cc क्यूबिक सेंटीमीटर.
एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू यू नाउ, इट इज 0.5 मोलर मोलारिटी. दिस इज मोलारिटी. अगेन आई रिपीटिंग द न्यूमेरिकल बेटे, टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल. दे आर सेइंग व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल. आपको वॉल्यूम निकालना है, आपको डेंसिटी गिवन है. तो अगर मैं विल डू आफ्टर वर्ड फर्स्ट, मगर आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और हमने वॉल्यूम निकालना है. मींस हमें डेंसिटी गिवन है तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है. वी हैव टू फाइंड मास. अगेन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल. डेंसिटी 1.15 ग्राम सीसी दैट हैज़ बीन एडिड टू प्रिपेयर 100 सीसी. कितना आप वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल का डालोगे, ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन 100 सीसी का बनाओगे. आपको मैंने बिकर दे दिया, मैंने कहा बेटे जी यहाँ पे मुझे 100 सीसी का आपने सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, और यू आर गिवन विद द डेंसिटी, और मैंने बोलना है कि 100 सीसी कितना मोलर सॉल्यूशन होना चाहिए, 0.5 मोलर का सॉल्यूशन होना चाहिए, कि आप इसमें इथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम कितना ऐड करोगे कि जो आपका सॉल्यूशन है वो कितने मोलर बने, 0.5 मोलर, ठीक है. कितना आप इथाइल अल्कोहल ऐड करोगे बेटे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो 0.5 मोलर बने. ओके बेटे, अगेन व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल दैट हैज़ टू बी एडेड टू प्रिपेयर्ड 100 सीसी ऑफ 0.5 इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन. तो हम पहले मास ऑफ इथाइल अल्कोहल ना निकाल लें, क्योंकि अगर मास पता होगा तो हम ऑब्वियसली हम वॉल्यूम भी निकाल लेंगे. अब मास कहाँ से आएगा, अरे